दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम घोषित कर ऐसा खेला खेला कि बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। और इस पर अब जेडीयू ने बीजेपी को घेरते हुए मोहन यादव के एक पुराने वीडियो से हमला किया है। मंगलवार को जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि बीजेपी का फर्जी हिंदुत्व आज बेनकाब हो गया है। अपने जारी किए गए बयान में नीरज कुमार ने कहा कि आज इस बात की पुष्टि हुई कि फर्जी सनातनी को बीजेपी में सम्मान मिलता है। दरअसल मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार माता सीता पर कुछ ऐसा बयान दिया था जिसके बाद वो विवादों के शिकार हो गए थे। उन्होंने किसी मंच पर कहा था कि सीता वन नहीं गई थी बल्कि उनका तलाक हुआ था, सीता पृथ्वी में नहीं समाई थी बल्कि उन्होंने आत्महत्या की थी। अब नीरज कुमार ने इसी वीडियो को शेयर कर कहा है कि जगत जननी सीता, उनके बारे में ये कहना कि तलाक हुआ था और आत्महत्या की थी, ये सीधे तौर पर माँ सीता का अपमान है। और जगत जननी का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी का नेता आज मुख्यमंत्री बन रहा है। नीरज कुमार ने आगे अपने पोस्ट में लिखा कि खुद को राम भक्त कहने वाले माता सीता का अपमान करते हैं। जगत जननी माँ सीता के बिना प्रभु श्री राम का नाम अधूरा है। ये कैसे फर्जी सनातनी है जिन्होंने माता सीता का अपमान कर रहे, माता सीता का तलाक कहने वाले और आत्महत्या कहने वाले को बीजेपी सम्मान दे रही है। बता दें कि नीरज कुमार ने मोहन यादव का जो वीडियो शेयर किया उसमें मोहन ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो आप। अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता सीता समा गई। और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने को आत्महत्या के रूप में ही माना जाता है।